क्वेश्चन ये है कि कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों हमेशा कांटेक्ट में है, स्ट्रिंग और पुली दोनों आइडियल है, फ्रिक्शन अब्सेंट है, तो हमें कैपिटल एम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वेज और ब्लॉक दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये वेज है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। वेज का मास कैपिटल एम है, तो वेज पर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इसका वेट है एम जी, जो डाउनवर्ड एक्शन में एक्ट करेगा। अब हमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस को देखना है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो वेज है वो कितने ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में है। तो सबसे पहले इस तरफ ब्लॉक के कांटेक्ट में है, और हम मान लेते हैं कि ब्लॉक वेज पर नॉर्मल फोर्स एन अप्लाई कर रहा है। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द वेज, ठीक है। अगेन वेज इस तरफ ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो मान लेते हैं ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स एन डैश अप्लाई कर रहा है। अगेन यहां पर पुली मासलेस है, तो हम पुली को इस वेज का पार्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो इधर वाला स्ट्रिंग इस वेज के कांटेक्ट में है, और साथ में ये वाला स्ट्रिंग भी वेज के कांटेक्ट में है, और दोनों स्ट्रिंग टेंशन वेज के ऊपर अप्लाई करेगा। तो उधर वाला स्ट्रिंग टेंशन फोर्स टी इस तरह अप्लाई करेगा, मान लेते हैं स्ट्रिंग में टेंशन टी है। अगेन जो इधर वाला स्ट्रिंग है वो इस तरफ टी फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस वेज का फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस डायग्राम को देखकर हमें यह सोचना है कि जो वेज है वो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर सकता है। तो सबसे पहली बात कि ये जो वेज है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ठीक है। वेज ऊपर जा नहीं सकता और नीचे भी नहीं जा सकता, क्योंकि नीचे में ग्राउंड है, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि वेज का जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ ए के इक्वल है, ठीक है, और हमें इसी ए को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास एम है, ठीक है। तो इस ब्लॉक पर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो एम जी है, एक्टिंग डाउन डायरेक्शन। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस को देखते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉक वेज के कॉन्टैक्ट में है, तो इस पर रिएक्शन फोर्स एन अप्लाई होगा, ठीक है। यहां पर ये वाला एन ब्लॉक वेज पे अप्लाई कर रहा है, और ये वाला एन वेज ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अगेन इस तरफ स्ट्रिंग है जो ब्लॉक के कांटेक्ट में है, तो स्ट्रिंग इस तरफ ब्लॉक पर टी फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉक का भी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमें यह सोचना है कि ये जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया कि इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा। अब हमें यह सोचना है कि हम वर्टिकल प्लेन में इसका एक्सेलरेशन किस किस डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हम ये मान सकते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए वन है और वर्टिकल डायरेक्शन में ए टू है, ठीक है। और ये बात भी इस पर डिपेंड करता है कि
कि हम इस ब्लॉक को किस रेफरेंस फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम की बात करें तो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में ये ब्लॉक वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है और इसका जो एक्सलेशन है वो हम किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो हम इस तरफ ए वन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए टू ले सकते हैं, या अलोंग द प्लेन ए वन और नॉर्मल टू द प्लेन ए टू, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कई तरीके से इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकल प्लेन में चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ब्लॉक को वेज के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ पैरेलल टू द प्लेन ही पॉसिबल है। ठीक है, मतलब कोई आदमी जो वेज पर बैठा हो वो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन या तो अप द इंक्लाइन प्लेन देख सकता है या तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन देख सकता है। ठीक है, मतलब वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ब्लॉक उस तरह एक्सेलरेट करेगा तो दोनों में कांटेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर ब्लॉक अंदर की तरफ एक्सेलरेट करता है तो ये जो वेज है वो टूट जाएगा। ठीक है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि वेज के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सिर्फ पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन ही पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में ही इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वेज के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, तो दोनों में यही अंतर है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमें नहीं मालूम है। ठीक है, निकालना पड़ेगा। लेकिन वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक एक्सेलरेशन हम मान सकते हैं कि डाउन द प्लेन ए डैश के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन इसका एक्सेलरेशन जीरो हमें मालूम है। ठीक है, लेकिन यहां पर ए वन ए टू दोनों अननोन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक को स्टडी करेंगे। लेकिन उस केस में ब्लॉक पर स्यूडो फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वेज का जो रेफरेंस फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू द वेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए डैश है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम प्रॉब्लम को वेज के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए डैश, एंड ए डैश इज विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ठीक है, अब हमें इस पर स्यूडो फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन टुवार्ड्स राइट है, तो इस पर जो स्यूडो फोर्स होगा वो टुवार्ड्स लेफ्ट होगा, एंड दिस विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन एम इनटू ए। ठीक है, तो यहां पर कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पर न्यूटन से लॉ अप्लाई कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए एडेस तो नॉन जीरो होगा लेकिन ब्लॉक एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द इंक्लाइन इस तरफ जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल टू द इंक्लाइन इस पर नेट फोर्स जीरो करेंगे और डाउन द इंक्लाइन नेट फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू ए डैश। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को एक पॉइंट मास मान लेते हैं। उससे फायदा यह होगा कि हम किसी भी फोर्स का कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में आसानी से देख सकते हैं और उसे कोई मिस्टेक भी नहीं होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है,
और ये पॉइंट है, मतलब ये ब्लॉक है, ठीक है। तो नीचे की तरफ एम जी फोर्स ये रहा, टेंशन उस तरफ है, इस तरफ टेंशन है, ऐसे नॉर्मल इस तरफ है, ये नॉर्मल है, अगेन एम ए इस तरफ है, इस तरफ एम ए, ठीक है। और इस तरफ एक्सलेशन ए डैश है और इसके नॉर्मल एक्सलेशन जीरो, ठीक है। अब हम बड़े आराम से पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन और नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन इस पर न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाउन द प्लेन देखते हैं। तो डाउन द प्लेन एम जी का कॉम्पोनेंट होगा एम जी साइन थीटा, एम ए का कॉम्पोनेंट होगा एम ए कॉस थीटा। एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, और यहां पर नॉर्मल का कॉम्पोनेंट डाउन द इंक्लाइन प्लेन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90 डिग्री है, और जो टी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हो जाएगा माइनस टी एंड दिस विल बी इक्वल टू एम ए डैश, दिस इज इक्वेशन वन, ठीक है। अगेन नॉर्मल टू द प्लेन एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स बैलेंस करेगा, तो ऊपर की तरफ एन के डायरेक्शन में एन है और एम ए का कॉम्पोनेंट है, सो वी हैव एन प्लस कॉम्पोनेंट ऑफ एम ए दैट इज एम ए साइन थीटा इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन टू, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं कि ये थीटा है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा के इक्वल हो, इस तरफ ये भी थीटा के इक्वल हो, ठीक है। तो हम आराम से कंपोनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। एम जी का इधर कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम ए का इधर हो रहा है एम ए कॉस थीटा, उस तरफ हो जाएगा एम ए साइन थीटा, ये रहा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम इस बेस पर भी न्यूटन से अप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पर ये जो ए है वो विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि वेज को विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड देखना आसान है और ब्लॉक को विथ रेस्पेक्ट टू द वेज देखना आसान है, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा, इस तरफ टी है, ये एंगल थीटा है, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होगा वो जाएगा टी माइनस टी कॉस थीटा, और अगेन नॉर्मल का जो कंपोनेंट है उसको भी देखना होगा, तो नॉर्मल किस तरफ एक्ट कर रहा है, ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल थीटा है, अगेन ये वर्टिकल है, ये एंगल भी थीटा है, तो नॉर्मल का इस तरह कंपोनेंट है वो है एन साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वेशन थ्री, ठीक है। अब हमारे पास टोटल अननोन कितना है, तो अननोन है पहले टी अननोन है, ए अननोन है, ए डैश अननोन है और एन अननोन है, तो हमारे पास कुल चार अननोन है, ठीक है। तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो जो फोर्थ इक्वेशन है वो कांस्टेंट इक्वेशन है, यहां पर कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों के एक्सेलरेशन के बीच कुछ रिलेशन होगा, तो हम देखते हैं क्या रिलेशन होगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ ए है और ब्लॉक एक्सेलरेशन
विद रिस्पेक्ट में ए डैश है तो दोनों इक्वल होगा, ए विल बी इक्वल टू ए डैश, दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, तो इसको हम कई तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो वेज है वो अगर एक्स डिस्टेंस आगे जाएगा तो यहां से यहां तक स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो एक्स डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और स्ट्रिंग का जो एक्स पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, मतलब इधर जितना स्ट्रिंग घटेगा इस तरफ उतना स्ट्रिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब डाउन द प्लेन उतना स्ट्रिंग बढ़ जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि वेज का एक्सेलरेशन इस तरफ अगर ए है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन ए डैश है विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, तो ए और ए डैश दोनों इक्वल होंगे। और दूसरा तरीका भी इसको समझने का, तो दूसरा तरीका ये है, ये पुली है और इस पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के इस पार्ट पर मान लेते हैं कोई पॉइंट वन है और इस पार्ट पर मान लेते हैं कोई पॉइंट टू है। ठीक है, और पुली के रेस्पेक्ट में पॉइंट वन का एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग इस तरफ मान लेते हैं ए वन के इक्वल है, अगेन पुली के रेस्पेक्ट में पॉइंट टू का एक्सेलरेशन अलोंग द स्ट्रिंग इस तरफ मान लेते हैं ए टू के इक्वल है। यहां पर ए वन और ए टू ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने इस डायरेक्शन को अलोंग द स्ट्रिंग चूज किया है। ठीक है, और ए वन ए टू दोनों पोली के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोली का जो एक्सलेशन है वो कैपिटल एम के एक्सलेशन के इक्वल है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए के इक्वल है। तो पोली का एक्सलेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए के इक्वल है। ठीक है, इधर एक स्ट्रिंग है हॉरिजॉन्टल वाला और इस तरफ भी स्ट्रिंग है। ठीक है, अगेन इस पार्ट पर मान लेते हैं कोई पॉइंट वन है और इस पार्ट पर मान लेते हैं कोई पॉइंट टू है और इधर वॉल है। ठीक है, अब पॉइंट टू का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो जीरो है क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो वॉल से कनेक्टेड है, लेकिन पुली का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टुवार्ड्स राइट ए के इक्वल है। ठीक है, तो पुली के रेस्पेक्ट में पॉइंट टू का एक्सेलरेशन इस तरफ ए के इक्वल होगा। ठीक है, मतलब पुली पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसके लिए पॉइंट टू का एक्सेलरेशन इस तरफ टुवार्ड्स लेफ्ट ए के इक्वल होगा। ठीक है, और पुली के रेस्पेक्ट में पॉइंट वन का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन ए डैश के इक्वल है, ए डैश। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों का एक्सेलरेशन पुली के रेस्पेक्ट में ए डैश और ए है और दोनों अलोंग द स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहां पर ए डैश और ए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम कई तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ए और ए डैश दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास फोर इक्वेशंस हैं और फोर अननोन्स हैं। ठीक है, तो हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में टी की वैल्यू और इस इक्वेशन से एन की वैल्यू, यहां से टी और यहां से एन दोनों इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा टी माइनस, एंड टी विल बी इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए डैश।
और एड्रेस को हम ए लिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, माइनस टी कॉस थीटा, ठीक है, तो इसमें हम माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों जाएगा माइनस एम डी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस एम ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा प्लस एन की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, फिर जाएगा एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा, तो हो गया एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस एम ए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम, कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। अब यहां पर ये प्लस एम डी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर माइनस एम डी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाई दैट ये हो गया एम जी साइन थीटा यहाँ एम ए कॉस थीटा है और यहाँ भी एम ए कॉस थीटा है, ये हो जाएगा टू एम ए कॉस थीटा, ठीक है, अगेन यहाँ पे माइनस एम ए है और ये दोनों मिलके भी माइनस एम ए हो जाएगा बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये हो गया माइनस टू एम ए, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट ए विल बी इक्वल टू, इन दोनों को उस तरफ लेके जाते हैं, तो इधर हो जाएगा एम जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई, हो जाएगा कैपिटल एम प्लस टू इंटू स्मॉल एम माइनस टू इंटू स्मॉल एम कॉस थीटा, ठीक है। एंड फाइनली ए इज इक्वल टू, ये हो गया एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस टू एम कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, और ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।